कि जो वहां पर पहुंचने वाले की आस्था प्रकट कर रहे हैं श्रद्धालु, और बता रहे हैं कि उत्साह चूंकि और ज्यादा इन दिनों में बढ़ जाता है माँ के प्रति श्रद्धालुओं का, तो इसलिए संख्या भी लोगों की बढ़ती हुई नजर आती है। अतिथि शिक्षकों पर हुआ मामला दर्ज, एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का मामला है, धारा 144 का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज हुआ है। चार नामजद और 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। कल अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था, बिना अनुमति के 2 से 2500 अतिथि शिक्षक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वैभव गुप्ता लाइव जुड़ गए भोपाल से हमारे संवाददाता इस खबर पर। वैभव, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? अतिथि शिक्षकों पर मामला दर्ज हुआ है। बिल्कुल पराग, कल एकदम से राजधानी भोपाल में हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक आ गए थे। इनकी मांग थी कि इनको नियमित किया जाए। उससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था कि अतिथि हो के हमारे घर पर कब्जा कर लोगे, तो उस बयान का भी विरोध जताने के लिए आए थे। अतिथि शिक्षक अम्बेडकर पार्क में जब प्रदर्शन कर रहे थे तो कह रहे थे कि हम कब्जा करने ही आए हैं। तो हालांकि कोई पूर्व सूचना के आए थे, किसी भी तरह की इनके द्वारा परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए इनको पहले तो अंबेडकर पार्क जो है भोपाल में वहां पर इनको एक तरीके से इनकी बैरिकेडिंग करके इनको वहां पर बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी ये जो सभी अतिथि शिक्षक हैं मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले थे। तो जब करीबन शाम की बात है, अतिथि शिक्षक आरोप लगा रहे हैं कि पार्क के आसपास की लाइट बंद करके पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया और उनको फिर थाने में ले जाके यहाँ तितर बितर कर दिया गया, उनके मोबाइल भी ले लिए गए। तो इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा चूंकि धारा 144 का उल्लंघन किया गया था अतिथि शिक्षकों के द्वारा, उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के आंदोलन किया था, मुख्यमंत्री निवास से घेराव करने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे में चार जो लोग हैं उनके जो संगठन के सचिव हैं, महासचिव हैं, इसके साथ ही अध्यक्ष हैं, इनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। 200 से 250 लोगों के जो एफआईआर भी दर्ज हुई है वो अज्ञात में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर सियासत तेज होती जा रही है, क्योंकि कल इनके प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए थे। वो भी यही कह रहे थे कि आखिरकार जो वादे पिछली भाजपा सरकार के द्वारा इनसे किए गए थे, जो इनको नियमितीकरण का वादा किया गया था, उनसे वोट लिए गए थे विधानसभा चुनाव में, अब जब सरकार बन चुकी तो आखिरकार सरकार अपने वादे को पूरा क्यों नहीं कर रही। अतिथि शिक्षक भी यही मांग कर रहे हैं कि हमसे जो वादे किए गए थे वो हमसे वादों को पूरा किया जाए, और पिछले महीने पहले हमने जो प्रदर्शन करा था राजधानी भोपाल में, कुछ मांगों को लेकर सहमति बनी थी, उन मांगों को लेकर आदेश भी निकाले जाए। शुक्रिया आपका वैभव, जानकारी और उस पूरी बातचीत के लिए।